हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल। मैं आ गया हूँ जी लेके एकदम नई वाली रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत मजेदार है। मुझे पता है, जैसे ही मैंने पहले इंग्रेडिएंट का नाम लिया, आधे लोग बोलेंगे अरे नहीं, करेला बना रहा हूं मैं, खट्टा मीठा करेला। मेरी एक दरख्वास्त है, मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ भाई, जिन लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है ना। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब करना चाहते कोई टेंशन नहीं है जी, आप रेसिपी तो देखिए, क्योंकि अगर आपने बना के घर वालों को खिलाई ना, बड़ा मजा आ गया उनको, उनको लगेगा कि ये बिल्कुल सही रेसिपी है। और ये रेसिपी में हमने ऐसी चीज़ें यूज़ की है अक्सर, जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके घर पर होंगी। छोटे छोटे टिप्स दूंगा, जाइएगा कहीं नहीं। बस अब रेसिपी की शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। खट्टा मीठा करेला, वाह। चलिए सबसे पहले गोल ले लेता हूं। अक्सर लोग कहते हैं करेला पील करो, है ना। आई नो, जो एक्सपर्ट लोग हैं भाई वो तो कहेंगे कि हाँ करेला पील करना चाहिए। जो लोग नए शुरुआत करते हैं ना, उनको कहते हैं नो, इंग्लिश बोलते हैं जो, वो कहते हैं नो, लेट मी लर्न द बेसिक्स एटलीस्ट, नो स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो उनके लिए क्या करना है भाई साहब, ये इधर इधर काटे। मैं सिर्फ सिंपल एक काम करता हूँ, बीच से इसको एक चीरा लगा देता हूँ ताकि जो खट्टा मीठा असर है वो अंदर तक जाए, और मैं इसके इस तरह से पीसेस काट लेता हूँ। नाउ ओपन्ड अप इनसाइड लिटिल बिट, राइट, इस बोल में डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये रहा, इसी तरह से बाकी करेले काट लेते हैं। पीपल हैव एन ऑप्शन, जो एक्सपर्ट हैं भरना चाहें जैसे भी है, बट आई एम सिंप्लीफाइंग फॉर यू, ठीक है जी। सिंप्लीफाइंग सो दैट यू सिंपली फ्लाई व्हेन यू कुक, राइट। एकदम मजेदार, क्या बात है। ये लीजिए, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, हो क्या रहा है यहां पे, अब मैं करेले में सबसे पहले नमक डालूंगा, और ज्यादा सारा नमक डालूंगा, ठीक है, अबाउट 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट। ट्यूमरिक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई, हम तो टर्मरिक ही बोलते हैं ना, हमको हर एक अल्फाज कि जो आवाज है वो आनी चाहिए, टर्मरिक, वाह। और ये रही शक्कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, ठीक है। अब ये शक्कर डाल दी 1 tablespoon, और इसको अब हम अच्छे से रब करेंगे। मैं डर दी, रब रब कर दी, वाह वाह क्या बात है। मैं थोड़ा थोड़ा अंदर भी डालूंगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। बोलिए, ये जो नमक है और शुगर है, हल्दी है, ये डालिए अंदर, रब इट, ठीक है। ये छोटी सी टिप, और ये मैंने सीखी थी मेरे एक टेलीविजन शो में, Somebody had come, उन्होंने करेले के पकोड़े बनाए बड़े अच्छे और बड़े फटाफट बना दिए, और उन्होंने सिंपल किया कि भाई नमक और शक्कर लगा के करेलों को रख दिया। उन्होंने कहा कि मिठास जहां भी पहुंच जाती है ना, माहौल बदल जाता है, है ना। सही वाली बात, हाथों से इस तरह से थोड़ा मसल रहा हूं, ये आपने देखा। अब ये जब आप करेंगे ना, तो ऊपर की स्किन जो है वो मॉइस्चर छोड़ना चालू करेगी, ये देखिए हाथ गीले हो गए, और जो नमक और शक्कर है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और इस तरह से करके जब नमक और शक्कर पूरी ऑलमोस्ट गल जाए, तो ये करेले को अलग रख दें 10-15 मिनट तक, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और तब तक क्या करेंगे, पानी उबालने के लिए चढ़ा देंगे, क्योंकि इसको या वॉश कर सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं, ताकि जो एक्सेस नमक है वो
सारा निकल जाए। भाई हाथ तो हमने धो लिए, लेकिन हल्दी के साथ खेलोगे तो हाथ तो पीले होंगे, राइट। पर हल्दी कमाल की चीज है ना, तो हल्दी आप सुबह उठ के गर्म पानी में डाल के पीजिए, सिस्टम सेट हो जाता है, ओके। आपके कार्डियक की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े थोड़े सॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे। हल्दी रात को दूध में डाल के पीजिए तो वो भी बेटर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारे अच्छे गुण हैं। तो हल्दी को ऐसे ही नकारिए मत। हाथ पीले हुए हैं तो क्या हुआ, 10 मिनट हो गए हैं, पानी भी उबलना शुरू हो गया है। अब जो करेले है ना, देखिए इसमें अब आप हाथ लगाएंगे तो आपको मॉइस्चर नजर आएगा, पानी जो है वो नजर आएगा, क्योंकि जो कड़वाहट है वो निकलनी चाहिए। तो ये रहा कमाल, ये रखना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर और भी रखेंगे तो बेहतर है। काट के छोड़ दीजिए, उसके बाद तैयारी करिएगा। और यहाँ पे जो रेसिपी है ना, इसमें तैयारी मैंने बिल्कुल घर के जैसे की है। ये लीजिए, अब इसको उबाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अरे उबालना ही था तो पहले वाला स्टेप क्यों किया। भाई हर स्टेप का एक महत्व होता है, उसे रिस्पेक्ट देना पड़ता है, राइट। तो हम दे रहे हैं रिस्पेक्ट, है ना जी। तो ये करना जरूरी है। और ये रेसिपी सिर्फ होम शेफ्स के लिए नहीं है, ये जो लोग छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं आप, जहाँ पे लोग जाके पूछते हैं नया क्या है, आपके लिए भी ये रेसिपी। तो ये उबल रहा है, उबलते उबलते मुझे एक वो गाना याद आ रहा है, मीठी है मौसम्बी कड़वा है करेला, आह बम्बई से आया मेरा दोस्त। अच्छा, ऐसे आपको कौन से गाना याद है ना वो मुझे बताइएगा जरूर, करेले को लेकर, राइट। कुछ याद आ रहा आपको कमेंट्स में लिखिएगा, और वैसे भी बताइए। अब जब 3-4 मिनट हो जाए ना, करेले अच्छे से उबल जाए, निकाल देते हैं। हाय, ये करने के बाद पानी से एक बार फिर वो जरूर लीजिएगा, तो वो मैं कर लेता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप की तैयारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अब इसमें ऑप्शन ये है कि आप रेगुलर तेल में बना सकते हैं या सरसों के तेल में बना सकते हैं। तो मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ ये करेला, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। सरसों के तेल का जो फ्लेवर है ना, खट्टा मीठा करेला जब आप बनाते हैं, थोड़ा सा अचार का फ्लेवर आता है, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है, तो इसलिए वो यूज़ कर लेंगे। तेल डाल लेते हैं, सरसों का तेल कम से कम 3 बड़े चम्मच डालिएगा, ठीक है। इसको गर्म होने देते हैं। सरसों का तेल अब गर्म हो गया, स्मोक पॉइंट तक मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये जो हमने करेले निकाले हैं, सबसे पहले ये डालने हैं, और इनमें पानी जितना निकाल लेंगे उतना बेहतर है। उसके पहले कुछ नहीं डालना, पहले करेले ही डालने हैं, ठीक है जी। मैंने कहा था रेसिपी बहुत सिंपल है, स्टेप ध्यान से देखिएगा। जल्दी से ढक लेते हैं, सफाई तो हमें ही करनी है, राइट। और इसको थोड़ा शेक कर ले। अब इसको आराम से पकने देंगे धीमी आंच पे, पहले हाई फ्लेम पे, ताकि सरसों का तेल स्मोक पॉइंट पे आ जाए। तब तक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्याज है, ये प्याज ले लेते हैं। और प्याज को चौकोन काटना है, इस तरह क्यूब्स में, ठीक है, बड़े बड़े, ये इस तरह से काटना। तो लगभग 2 प्याज ले लें, इसको रख लिया। इसी तरह से 2 टमाटर ले लेते हैं, 2 टमाटर भी क्यूब्स में काट लेते हैं। और अब आलू ले लेता हूं, ये आलू ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। आलू को छिलके के साथ लेके क्यूब्स में काट लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी, इसमें पानी डाल के रख लेते हैं, क्योंकि अब इस्तेमाल के लिए समय है। चलिए, ये तैयारी कर ली, अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इसको स्टर कर लेते हैं। वाह, पकाइए लगभग 10 मिनट मिनिमम, चेक करेंगे उसके बाद, मतलब करेला अच्छे से पक गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, राइट, नॉट बिफोर दैट। मसाला शुरू में कुछ मत डालिए, सब जल जाएगा वरना, राइट, इंतजार करते। चलिए 10 मिनट पकाने के बाद पहले मैं बताता हूँ करेले कैसे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए ये करेले देखिए कैसे पक गए हैं, बढ़िया ब्राउन हो गए हैं, राइट। क्योंकि करेले जो है ना, थोड़ा से बर्नट अच्छे लगते हैं, भुने हुए, राइट। वो स्टेज पे हम पहुँच गए हैं,
अभी भी मैं कोई और मसाला नहीं डालूंगा, पहले आलू डालूंगा। आलू इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो खाएं, राइट। ये लीजिए आलू डाल दिए, और आलू से एक और फायदा है भाई साहब, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, राइट। ये प्याज डाल लिया, दोनों चीज़ें डाल ली। अब जो तेल की मात्रा है वो समझ में आ रही होगी आपको कि धीरे धीरे सेट हो रही है। इसको वापस ढक लेते हैं, वापस आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि आलू गल जाए, करेले और पक जाए, राइट, और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। पहले वाले स्टेप्स कैसे थे, आपने करेला पकाना था, आलू पकाना था, प्याज का फ्लेवर, तो प्याज का जो मॉइस्चर है उससे करेला सॉफ्ट भी हो जाता है। तो अब तैयारी कर लेते हैं, आलू भी अच्छे से पक गए हैं, अब बीच में मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब जीरा डालो, पहले डाला होता जीरा मैंने तो जल जाता, राइट, कुछ भी कर लेते आप जल जाता। थोड़ी कलौंजी, एक छोटा चम्मच, हरी मिर्चें 6-8 हरी मिर्चें अगर आपको पसंद है तो, ठीक है, स्लिट करके डाल दें। 1 इंच टुकड़ा अदरक का लच्छा लें, वो डाल। अब यहाँ पे सारी चीजें फटाफट होने वाली, इसके बाद नमक डल जाएगा, स्वाद शहद अनुसार नमक चमक करिएगा, बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं पूरा मत करिए, हमारा कुछ कारण है नहीं करते हैं, आप घर पे करिए ना, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, सौंफ का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, सब घर पे मिलेगा, ठीक है। सौंठ का पाउडर ऑप्शनल है, मिल गया तो ठीक है, 1/2 छोटा चम्मच डाल लीजिएगा, बड़ा मजेदार होता है। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए ये डाल लें, और लाल मिर्च पाउडर ये 2 छोटे चम्मच डाल, थोड़ा सा हींग ये भी डाल लेते हैं यहाँ बीच में, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल लेता हूँ। और अब वापस भुनाई होगी अब सारी चीज़ें। वाह क्या बात है, अब आई रंगत, भुनिए 3-4 मिनट तक। अब 3-4 मिनट बाद आपने ये काम करना है, इमली का पेस्ट 1/4 कप, इमली का पेस्ट, गुड़ 3 बड़े चम्मच गुड़ ये डाल लें, या 1/4 कप गुड़ ये भी उतना ही डाल लें। अब इसको मिक्स करिए अच्छे से। अब इसमें टमाटर डाल लें, मैंने वैसे 2 टमाटर काटे थे, आप चाहें थोड़ा कम कर सकते हैं, वैसे टमाटर डालें, वापस पकाइए ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं, टमाटर से थोड़ी रंगत आ जाएगी, टमाटर भी टेस्ट को बढ़ाएगा, मतलब बढ़िया लगेगा आपको। तो यहाँ पे भी 2-3 मिनट तक पकाइए, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, टमाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पकेंगे तो आप ये सब्ज़ी बना के रख नहीं सकते, ख़राब हो जाए। अगर आपको ये सब्ज़ी रखनी है टमाटर को बहुत देर तक पकाना होगा ताकि ये सब्ज़ी टिके। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। मैंने इसलिए ये खट्टा मीठा करेला बनाया है, और हर पॉइंट आपको बता रहा हूँ, राइट, दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट माय कुकिंग। छोटी छोटी चीज़ें बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि कितनी बातें करते हैं, भाई बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। धनिया डाल लीजिए, टमाटर से रंगत भी आ गई, राइट। अब ये जो धनिया है ना, मैं हमेशा कहता हूँ धनिया, शुरू से कहते हैं हम, जब से मैं अपना टेलीविजन शो या मैंने RJ किया है जो रेडियो पे, धनिया और हिंदुस्तानी खाना इनको अलग नहीं कर सकता। जैसे हिंदुस्तान में एक ग्रेनी और उसका हैंडबैग, इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बंद कर लेते हैं, परोस लेते हैं, लेट्स डू इट, यस आई एम रेडी, आ जाइए। वाह क्या बात है, तो थोड़ी सी ग्रेवी भी आ गई है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है, ये देखिए, वाह क्या बात है। आई एम सो हैप्पी विद दिस डिश, इतनी मजेदार लग रही है पूछिए। फाइनली वापस थोड़ा सा धनिया, अदरक के लच्छे, ये लीजिए ये डाल लिए। अब इसमें करेला ढूंढिए और खाइए, वैसे है तो बहुत मजेदार। आई टेल यू, इस बोल में आपके परिवार में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। जिनको करेला पसंद है उनके लिए करेला, जिनको आलू पसंद है उनके लिए आलू है, जिनको टमाटर पसंद है उनके लिए टमाटर है, और जिनको लगता है कि ये सब्जी एकदम मजेदार है वो अपने अपने हाथ उठाएं। चलिए चलिए चलिए,
आई कैन सी यू, यस आई नो। और ये सब्जी बना के परिवार को खिलाइए, बोलिएगा जरूर नमक शमक नाचिए गाइए और मजे से खाना बनाइए।